तो भाई लोग लंका प्रीमियर लीग 2023 का जो मैच नंबर एलिमिनेटर है ना, इस मैच में बी लव कैंडी के सामने होगा जाफना किंग। अगर मैं पे बी लव कैंडी की बात करें तो अपने 8 मैच में से 4 मैच जीते, 4 मैच हारे, मतलब एक जीत रहे एक हार रहे थे, 8 पॉइंट के साथ यहां पे पहुंचे। जाफना किंग्स की बात करें जो पिछले साल की चैंपियन थी, उन्होंने अपने 8 मैच में बस 3 मैच जीते, 5 मैच हारने के बाद 6 पॉइंट के साथ यहां पर पहुंचे। तो जाफना किंग जो 3 बार की चैंपियन है ना, इस बार चैंपियन वाली परफॉर्मेंस ना दिख रही। बी लव कैंडी की बात करें तो इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, क्योंकि दोनों टीमों को पता है यह है एलिमिनेटर मैच, मतलब जो टीम यहां मैच हारेगी उसका सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो टीम यहां मैच जीतेगी फाइनल के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। दोनों टीमें यहां पे करीब जाना चाहेंगी ना फाइनल के। तो आज की वीडियो हम वही जानेंगे कौन सी टीम है जो आज का मैच जीतेगी, कौन सी टीम है जो मैच आज का हार जाएगी। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक 9 मैच खेले गए, जिसमें से 5 मैच जीता बी लव कैंडी ने, 4 मैच जीता जाफना किंग्स ने। यानी अगर हम यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो मामला बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है। दोनों टीमें एक दूसरे से कह रही हैं हम किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर हम इस सीजन की बात करें लंका प्रीमियर लीग 2023, तो इस सीजन जो इनके बीच में 2 मैच खेले गए, दोनों मैच गाले टाइटंस ने जाफना किंग्स को रौन डाला। यानी जो गाले की टीम कह रही कि हम इस सीजन ना आपके सामने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है, तो क्या गाले फिर से कर पाएगा मैदान फतह और पहुंच जाएगा क्वालिफायर 2 में? फिर दोस्तों जाफना किंग्स करेगा पलटवार, लेगा पिछली दोनों हारों का बदला और पहुंचेगा क्वालिफायर 2 में। चलो जानते हैं, बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना लंका प्रीमियर लीग के अलावा द 100 मेन एंड वुमेन कंपटीशन चल रही है, CPL भी तो चल रहा है। इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रोडक्शन कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। तो भैया ज्वाइन कर लो, बस एक चीज़ का ध्यान देना, फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, तो इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पर जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भैया जो मैच है थर्सडे 17 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में। पीसी बोर्ड के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिफायर 1 भी इसी मैदान पे खेला जाएगा, तो उस मैच की वीडियो में मैंने पीसी बोर्ड के बारे में सब कुछ बता रखा, तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी उनको सब कुछ पता है। अगर आप इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख लें, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। बस ये जानते हैं कि यहां के मैदान पे कौन सी टीम उड़ाएगी गर्दा और जीतेगी आज का मैच। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे बी लव कैंडी की। अगर इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो मे बी कोई भी चेंज ना होगा, क्योंकि फकर जमान और मोहम्मद हरीस जबरदस्त शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद चंडीमल आते हैं। इनिंग को संभालना होता संभालते भी है, मारना होता था मारते भी है, और जब से 1-2 हसरंगा थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करने लगे ना भैया, क्या खतरनाक ऑलराउंडर बन गए, क्योंकि मतलब आते हैं 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते, सामने वाली टीम की गेंदबाजी को हौसला तो 1-2 हसरंगा अकेले तोड़ के चले जाते हैं। बाकी एंजेलो मैथ्यूज अगर जरूरत पूर्ति संभालने की संभालते भी है, फिनिश करने को तो अच्छा फिनिश भी कर देते हैं। एहसन भंडारा की बात करें तो जब भी मौके मिले ठीक ठाक बल्लेबाजी करी, आसिफ अली तो बस फील्डिंग करने के लिए खिलाया जा रहा, ज्यादातर बैटिंग का नंबर आया नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बल्लेबाजी है बी लव कैंडी की लंबी है, लंबी होने के साथ साथ ना बढ़िया फॉर्म में भी चल रही है। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो वो तो खतरनाक है यार, क्योंकि नुआन प्रदीप की बात करें तो न्यू बॉल से स्विंग करवा के विकेट चटकाते हैं, उसके बाद अपना डेथ में बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं। इसरो उदाना की बात करें तो मिडिल में बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ डेथ में भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मुजीबुर रहमान को उतने ज़्यादा विकेट ना मिले, लेकिन इनके सामने रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी 1-2 हसरंगा तो कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, और जरूरत पड़ने में ना थिसारा परेरा आते कहते अच्छा मेरी जरूरत है, वो भी बढ़िया गेंदबाजी करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखें बी लव कैंडी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही है। वहीं जाफना किंग्स की बात करें तो इस बारी जो इनकी टीम है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है बल्लेबाजी में। अगर हम यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें तो एक मैच में चलते हैं, बाकी तो चल ही नहीं रहे। निशान मधुशंकर एक दो मैच से खेले तो वो तो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्रिस लिन की बात करें तो जो इन्होंने एक दो मैच खेला कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर पाए। डेविड मिलर का भी वही स्ट्रगल चालू है, अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पाए। असीलक गुणरत्ने की बात करें तो पिछले मैच में खिलाया गया था, लेकिन थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस है। थिसारा परेरा का बल्ला इस बार नहीं चला। दुनित बेलालेज ने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी, लेकिन ऊपर के जो 3-4 इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है ना वो इस बार थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी इनकी जो है ना वो ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि दिलशान मधुशंकर न्यू बॉल से भी बढ़िया गेंदबाजी करने के बाद डेथ में भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। नुआन थुसारा भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। महेश थिछोड़ा को उतना ज़्यादा विकेट ना मिला हो, लेकिन किफायती बहुत रहे। इनके सामने रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहा सभी टीमों का।
दुनित विलेलेस की बात करें, इन्होंने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी। बाकी शोएब मलिक की बात करें तो हाँ, शोएब मलिक का मैं भूल गया था, शोएब मलिक बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मतलब गेंदबाजी की बात करें तो जाफरा किंग की बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो दो तीन बल्लेबाज हैं जो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाकी के बल्लेबाज टाइट फिश। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो बी लव कैंडी की टीम है वो जाफना किंग की परफॉर्मेंस के हिसाब से बेहतर नजर आ रही, जबकि लाइनअप में देखें तो जाफना किंग के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, बस उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में दोनों टीमें बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, चलो जान लेते हैं। बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो 50-50 50 बी लव कैंडी एंड 50 जाफना किंग्स। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना बी लव कैंडी अपने नाम पर कर सकता है। बाकी मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और आपको तो ये भी पता है ना, लंका प्रीमियर लीग के अलावा CPL स्टार्ट हो गया, द 100 मेंस एंड वुमेंस कंपटीशन दोनों चल रही, तो इन सभी मैचों के जबरदस्त प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करो यार, बस एक चीज़ का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।